Hello students, how are you? As you know that your synthesis is going on, I have already taught you about present participle and past participle. Now this one more sentence of past participle which I am going to tell you. This is number 16. Since his exercise number 16, he was disguised as a saint. He escaped to Nepal. तो excellent book का बच्चों ये पहले उधर विद्या कराया था, अभी excellent book के exercise first का है. He was disguised as a saint. He escaped to Nepal. अब यहाँ पे देखिए past participle रूप में यहाँ पे disguised word आया है जो पूरा phrase का काम कर रहा है. Disguised as a saint मतलब एक सन्यासी का वेश रखे हुए. ही escaped टू नेपाल, तो पहले इस पोर्शन के लेते हैं जो पार्ट्स पार्टिसिपल का फ्रेज है. disguised एज अ सेंट, एक सन्यासी का वेश रखे हुए ही escaped टू नेपाल. ही escaped टू नेपाल इसका मतलब हुआ एक सन्यासी का वेश रखे हुए ही स्केप टू नेपाल, वो नेपाल भाग गया. तो ये आपका ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल का पूरा फ्रेज है, तो इसको एज इट इज रखा और उस सेंटेंस को फाइनाइट वर्ब वाला सेंटेंस बना लिया. तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल पूरे हो गए. अब इसी एक्सरसाइज के एक दो सेंटेंस और मैं आपको बता दे रहा हूं जो कि परफेक्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड है, उनको देख लीजिए. एक सेंटेंस है उसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज फर्स्ट का, एक्सीलेंट बुक का. महेश भूपति वॉज डिफीटेड बाय लैंडर पेस ही वॉज मच अपसेट. ही वॉज डिसहार्टेंड. बच्चों बुक नहीं है, जो मुझे याद है उसी के हिसाब से मैं बतला रहा हूं, लॉजिक एकदम क्लियर हो सेंटेंस की. तो महेश भूपति वॉज डिफीटेड बाय लैंडर पेस, तो एक सेंटेंस आपका ये बना महेश भूपति को लैंडर पेस के द्वारा हरा दिया गया. ही वॉज डिसहार्टेंड, वो उदास हो गया. अब यहां पे देखो ये आपके हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो ये आपके परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव वाइज में जाएगा. तो जब पैसिव वाइज में कोई सेंटेंस आता है तो यहां पर इज एम आर वॉज वर वाली वर्ब्स होती है, उनको हम किस में बदल देते हैं, बी में बदल देंगे. जैसा आपको मालूम है बाय रूल हम पहले आपको समझा चुके हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इट मींस एक्टिव वॉइस, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इट मींस पैसिव वॉइस. तो ये आपका पैसिव वॉइस है, हैविंग वॉस को चेंज किया बीन में, हैविंग बीन डिफीटेड, हैविंग बीन डिफीटेड बाय लैंडर पेस, हैविंग बीन डिफीटेड बाय लैंडर पेस, लैंडर पेस के द्वारा हरा दिए जाने के बाद महेश भूपति वॉज, ही किसके लिए आया, महेश भूपति के लिए, महेश भूपति, महेश भूपति वॉज डिसहार्टेड. तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल का आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया. नंबर देख लीजिएगा एक्सरसाइज में, सबके पास में एक्सीलेंट बुक्स होंगी और मैंने स्क्रीनशॉट भी इसके डाल दिए. तो ये आपका पार्टिसिपल से आपका सेंटेंस बन गया. एक सेंटेंस मैं आपको और बताता हूं. देखिए बच्चों ये तीन सेंटेंसेस आपके हैं, ये भी
एक्सीलेंट का एक्सरसाइज फर्स्ट का, ही रेज्ड हिज गन, उसने अपनी बंदूक उठाई, ही टू कैन, उसने निशाना लिया, ही शॉट द टाइगर, उसने टाइगर को मार दिया। अब यहाँ पे देखिए तीन वर्ब है यहाँ पे फाइनाइट, एक दो तीन, तो एक वर्ब को हम फाइनाइट रखेंगे और जो एक सेंटेंस वर्ब को फाइनाइट रखेंगे, बाकी सेंटेंस की वर्ब को हम पार्टिसिपल में बदल देंगे। तो बच्चों ये दोनों तरीके से बन सकता है, प्रेजेंट से भी बन जाएगा, परफेक्ट से भी बन जाएगा। क्योंकि परफेक्ट पढ़ा रहे हैं तो परफेक्ट वाला देख लीजिए, ही रेज्ड हिज गन, ही टू कैन, ही शॉट द टाइगर। तो यहाँ पर देखो परफेक्ट में हैविंग रेज्ड, अब हैविंग के बाद में थर्ड फॉर्म लगती है, तो इस वर्ब को ये से हैविंग रेज्ड हिज गन, हैविंग रेज्ड हिज गन। अब दो पार्टिसिपल वाले सेंटेंस एंड से जोड़ेंगे, ही रेज्ड, हैविंग रेज्ड हिज गन एंड टेक, थर्ड फॉर्म टेकन एंड टेकन एम कॉमा, एक वर्ब को हम फाइनाइट रखेंगे, ही शॉट द टाइगर। तो देखो हैविंग रेज्ड हिज गन, अपनी बंदूक उठाकर एंड टेकन है और निशाना लेके, बार बार बच्चों हैविंग अभी नहीं आएगा, एक बार पहले बार हैविंग आ गया वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर इधर देखो हैविंग यहाँ नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो हैविंग रेज्ड हिज गन एंड टेकन एम, ही शॉट द टाइगर। तो ये एक्सरसाइज के सब इंपॉर्टेंट मैंने सेंटेंस करवा दिए, विद्या वाले की उस दिन करवा दिए थे, तो एक्सीलेंट जिसके पास बुक है वो सब पूरी एक्सरसाइज आप कंप्लीट करके रखेगा, जिसके पास विद्या वाली बुक हो वो विद्या से पूरी कंप्लीट करके, और जिसको जो प्रॉब्लम हो वो मुझे अपने ग्रुप में जाके क्वेरी कर सकता है। थैंक्स फॉर टुडे।